रेगुलर मैप में जितने भी आपको ये वाले वोल्ट दिख रहे हैं, लेकिन इन सारे वोल्ट को ओपन करने के लिए आपको एक की नीड होती है। बिना की के इनको ओपन नहीं कर पाएंगे। तो मैं बताता हूँ आपको एक ऐसी ट्रिक जिससे आप बिना की के इसके अंदर जा सकते हो। ऑलराइट, स्टेप वन, आपके पास होनी चाहिए एक साइकिल जिसको आपको इस वाली जगह पे ले जाना है। आपको बस इस वोल्ट वाले यहाँ पे देखो डोर के पास आना है। पोर्टल स्टफ को जस्ट आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। जैसे ही पोर्टल स्टफ यहाँ पे क्रिएट हो जाए, जस्ट आपको क्या करना है, भाग के साइकिल के पास जाना है एंड साइकिल को ड्राइव करना है। ड्राइव करने के बाद में याद रखना है स्पीड बूस्ट वाले बटन पे क्लिक करके रखना है कुछ इस तरीके से। एंड जैसे आप हिट करोगे एंड इजी पीजी आप आ चुके हो इस वोल्ट के अंदर बिना की के। हाँ यार, मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो एडजस्ट कर लो। देन यहाँ पे देखो, अगर आपको लूट करनी है तो आपको अच्छी खासी लूट देखने को मिल जाएगी जैसा कि आप देख ही सकते हो। इवन अंदर की तरफ आपको एक दरवाजा देखने को मिलेगा, जैसे ही ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे देखो बाहर निकलना है। तो जस्ट आपको यहाँ पे लीव वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे बूम बाम निकल जाओ। तो यार ये वाली ट्रिक अच्छी लगी तो जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लो। 3.1 अपडेट में जब भी हम डांसिंग ग्रेनेड के अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे डांस करने लग जाते हैं, हम कोई भी गन या थ्रोबल आइटम यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये अगर चीज करते हो तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो अब से आपको क्या करना है, जब भी एनिमीज आप पे डांसिंग ग्रेनेड फेंके तो याद रखो पंच वाला बटन यहाँ पे थ्रोबल आइटम एंड गन वाले बटन पे तीनों को एक ही साथ क्लिक कर देना एंड आपके हाथ में कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये ट्रिक यूज करके आप डांसिंग ग्रेनेड के अंदर भी यहाँ पे गन का यूज कर सकते हो जो कि बिल्कुल राइट होने वाला है। तो कमेंट में बताना कैसे लगी। तो करते अगली ट्रिक की बात। जैसा कि आपको मैप में दिखा रहा हूँ, पोचंकी के जस्ट नीचे की साइड है, लेकिन आप पूरे के पूरे एरेंगल मैप में कर सकते हो। आपको क्या करना है, किसी भी इस वाले पेड़ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखो पोर्टल स्टफ को बना के अंदर की तरफ चले जाना एंड यहाँ पे इजी पीजी बूम बाम यहाँ पे आ चुके हो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि कोई भी एनिमी किसी भी कोस्ट पे ना तो आपको फायर करके मार पाएगा ना ही ग्रेनेड से, क्योंकि ये जितने भी आपको पेड़ और पत्ते, मतलब इस पेड़ के पत्ते दिख रहे ना, आपकी पूरी की पूरी बॉडी कवर कर लेंगे। बाहर वाला बंदा आपको नहीं देख पाएगा, लेकिन आपके पास एडवांटेज जरूर रहेगा कि आप अंदर से एनिमीज को कुछ इस तरीके से देख सकते हो। और हाँ, एक बात बताना भूल गए, अगर आपके पास भी कोई ट्रिक है तो आप मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, आप भेज सकते हो वहाँ पे। अगर ये ट्रिक पसंद है तो लाइक कर लो यार, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आपने ये ट्रिक कर ली तो आप इवेंट में सर्वाइव कर सकते हो इजी पीजी। आपको तो गाइज क्या आप सिर्फ बीजीएमआई टूर्नामेंट खेल के 50,000 रुपए तक जीतना चाहते हो? ए भाई बताना बताना भाई 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 मेरा भाई। तो ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग जो कि 100% ट्रस्टेड है एंड सो स्ट्रॉन्ग के 35 लाख से ज्यादा डाउनलोड है और ये ऑलमोस्ट 8 करोड़ की विनिंग तो बाढ़ चुका है। सेफ की सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको काफी टाइप के टूर्नामेंट मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिसमें 0 वेटिंग टाइम है। ऑटो और आपको इसमें कस्टम रूम की जरूरत ही नहीं है, बस आप क्लासिक रैंक खेलो जो कि आप रोज ही खेलते हो और सो स्ट्रॉन्ग आपको खुद ही किल डिटेक्ट करके आपको पैसा दे देगा। तो यहाँ से रोज बीजीएमआई खेल के पैसा जीतना तो बहुत ही इजी है। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। तो गाइज मैंने यहाँ पे सो स्ट्रॉन्ग का लिंक कमेंट पिन में और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो डाउनलोड करो। हाँ, पहले 1,000 यूजर्स को 600 रुपए का बोनस मिल रहा है जिसको यूज करके आप टूर्नामेंट भी खेल सकते हो। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और हाँ, सबसे बढ़िया बात तो ये कि आपने जो भी पैसा विन किया वो आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो, वो भी इंस्टेंट। मोगेम्बो खुश हुआ। तो यार देर किस बात की, अभी डाउनलोड करो सो स्ट्रॉन्ग को मेरे कमेंट पिन और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हर दिन 50,000 रुपए तक जीतो। पहले इसकी इस वाली लोकेशन पे आ जाना है, देन आपको सामने की तरफ जो पिलर दिख रहा है इस पे यहाँ पे क्लाइम कर लेना। जो आपको सामने की तरफ दीवार टूटी है इस पे जंप मार देना एंड ये देखो भाई साहब, अगर आप यहाँ पे प्रोन कर देते हो तो ये जितनी भी दीवार है ना आपका पूरा का पूरा बॉडी कवर कर लेगी, मतलब अंदर वाले को नहीं दिखेगा। और अगर आपको थोड़ा और एडवांटेज चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी आ सकते हो। अभी देखो एडवांटेज क्या मिलता है वो बताता हूँ। जो भी यहाँ पे पहले इसमें यहाँ पे उतरता नहीं, इन बंदे को पता भी नहीं। तो जैसा कि आपको देखा कि एनिमीज को बिल्कुल भनक तक नहीं लगी कि मैंने कब उसको सरप्राइज अटैक दे दिया, तो पीछे से ये भी ट्रिक कर सकते हो। जरूर से कमेंट करके ये ट्रिक बताना कैसे लगी। तो अगर आप जब भी यहाँ पे ट्रेजर शिप पे हो तो आपको जस्ट फन ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से अगर आपके पास साइकिल है ना उसको लगा के जस्ट यहाँ पे देखो कुछ ही सेकंड के अंदर आ सकते हो। पैरासूट ओपन नहीं होगा लेकिन एनिमीज, और ये देखो कोई बड़ी ट्रिक तो नहीं थी लेकिन ये जस्ट फन ट्रिक है तो मैंने सोचा बता देता हूँ, तो बता दिया। मैं सच बता रहा हूँ ये वाली ट्रिक आपके लिए बहुत काम आने वाली। जब भी आपको लग रहा है मिल्टा पावर की फैक्ट्री में अगर आपको लग रहा है कि एंड वाला सर्कल बन रहा है तो भाई अच्छी खासी किल निकाल सकते हो। पहले तो आपको करना है इस वाले कंटेनर के अंदर की तरफ जाना है एंड यहाँ पे कुछ आ जाना है, येलो वाले से आपको यहाँ पे आना है, देन ब्लू वाले पे जंप मार देना है। जस्ट आपको भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सामने जो चिमनी दिख रही या पिलर बोलो ये इसके ऊपर जस्ट आपको करना पोर्टल स्टफ का कुछ इस तरीके से यूज करना है एंड यहाँ पे बना देना है। क्रिएट करने के बाद में आपको इधर से एंटर करना है और उधर से एग्जिट एंड बूम बम भाई, ये देख सकते हो क्या ही हाई एडवांटेज लोकेशन मिली है। यहाँ से आप अच्छे खासे एनिमीज को तो देख सकते हो, अगर आपको टीममेट है तो उनको बता सकते हो कि दूर दूर से एनिमीज कहाँ पे, और उनको मारना है तो भाई आपको अच्छे खासे यहाँ से एंगल भी मिलता है, दूर दूर तक आप एनिमीज को स्पोर्ट करके मार सकते हो। तो और अगर आपको लग रहा है नीचे की तरफ भी कोई एनिमीज है तो आप कुछ इस तरीके से पी करके उनको भी मार सकते हो, बहुत एडवांटेज है।
तो ये ट्रिक बिल्कुल बेस्ट है रैंक पुश के लिए। इवन अगर आपको रैंक पुश टिप्स एंड ट्रिक्स डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर से रैंक पुश लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। अगर आपको ऐसी ट्रिक और चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना यार। अब सच बताऊं तो ये ट्रिक मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। ट्रिक को ढूंढने में मेहनत तो लगी है लेकिन वर्थ इट है। आप स्काई ट्रेजर शिप के अंदर ये ट्रिक कर सकते हो। इस ट्रिक या ग्लिच को करने के लिए आपको क्या करना है, एक साइकिल की नीड होगी जिसको जस्ट आपको लेके आना है, देन आपको ड्राइव करना है। याद रखना जब यहाँ पे देखो ये ट्रेजर शिप चलती रहती है ना तभी ये काम करती है। तो आप जैसे ही करोगे कुछ इस तरीके से आप पूरा का पूरा अंदर आ जाओगे। अब कभी कभी क्या होता है आप बाहर भी निकल जाओगे लेकिन कभी कभी अंदर की तरफ अटक जाओगे ना तो ये ग्लिच हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये ट्रिक कर लेते हो या ग्लिच कर लेते हो तो आप कुछ इस तरीके से साइकिल के साथ यहाँ पे अंडरग्राउंड इसके रह सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिखा। ओके आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आपको लिविक पे चाहिए या एरेंगल पे कमेंट में जरूर से बता दें। मैं चलता हूँ आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक ढूंढने। आप देखो ये बोर्ड गेम प्ले। बाय बाय।